आपने फरमाया पापा मेरा पापा है अली, पापा मेरा पापा है अली, सारा लंगर उसे बाबे दे नाम दा लगी आए, उस परदेसी जावांगे अली दे कदम फड़ ले, कह लगा सुनिया तेरी समझ नहीं आई, दरवाजा चुके फिर दरे आए, अज सुकी रोटी दा टुकर नहीं टुट दे, मौलाली फड़ के सीने दे नाल लाया, फरमाया बेलिया इत्थे मेरा जोर पिया लगदा है, ओ मेरा इश्क रसूल पिया लड़दा। नबी दा चेहरा वेख्या ते हजूर फरमांदे ने चाची जी तुसी कहंदे हो अखां कोई नहीं, इहदे वर्गियां ते अखां ही कोई नहीं, हाय 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 अखां ही कोई नहीं। अली हुण टिकटकी लगा के रुखे मुस्तफा जदों वड्डे होए ना, एक दिन हजूर बिठा के पुछया फरमाया अख क्यों नहीं सा खोलदा, अम्मी बड़ी परेशान सन, ते मौला अली ने अर्ज की या रसूल अल्लाह वेखो ना को बच्चा दुनिया ते आवे ते अख खोले, मां नूं वेखदा कोई, बाप नूं वेखदा कोई, भैणा भाइयां नूं वेखदा, ते मैं अर्ज की या अल्लाह कोई एक बच्चा ते होवे जिहड़ा अख खोले ते मुख ही नबी दा होवे। हजूर ने फरमा तेनों कि मैं पता लग्या मैं आ गया, ते अर्ज की सोनिया वेखो ना जदों किसी माही की सिक होवे तांग होवे किसी सोने की, उड़ीक होवे किसी माही की, ते सदरा होवन किसी माही दियाँ, ते इंतजार होवन जदों सजना ते माहियां दे, ते फिर दरवाजा हवा नाल बिखड़ के ते इंज लगदा जिवें यार ही आया। अर्ज की सोने मैं सांस ते सांस च हवा गई, ते हवा बच्चे नबूवत की खुशबू गई ना, ते अंदरों हो कुटी अली अखा खोल जिदिया उड़ीक करता सा माही आ गया है। अच्छा वाह वाह वाह, ए तवज्जो साइया दी, ए तवज्जो करीमा दी, मैनू 23 साल गुजर गए ना खिताबत कर दिया, आ मंदर 23 साल च मैं भी नहीं वेख्या। अल्लाह सोनिया उस बंदे नू कदी दिल दी बीमारी ना लगे, अल्लाह सोनिया बंदा सही रवे जिहड़ा दोवें हाथ उच्चे करके बोले हैदर 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 हैदर, हाथ उच्चे करके दिल लाके जरा खरे आके हैदर 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 हैदर, मोहब्बत का समुंदर चल रहा है, मोहब्बत का समुंदर चल रहा है, मजा दोनों के अंदर बढ़ रहा है, हैदर के सामने कुरान रख के देखो कौन किसको पढ़ रहा है, हैदर 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 हैदर, हर सहाबी ये नबी जन्नत, हर सहाबी ये नबी जन्नत, हर सहाबी ये नबी, गली गली नगर नगर चारो आज एक इंसाफ कर जाओ, हैदर 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 हैदर, गली गली नगर नगर, जल्दी जल्दी बैठ जाओ, बैठ जाओ, जल्दी जल्दी बैठ जाओ, टाइम भाई सदके जावा, आसी साहब कह रहे ने बैठ जाओ जल्दी बैठ जाओ, आसी साहब फरमा रहे ने 23 सालां दे विच मैं तुहाडे सदके जावा, इह जिहड़ा मंजर अज बखरां वाली च बणे आ ना, इह मैं पहली वारी वेख्या है, ते मैनूं वी अलहमदुलिल्लाह आसी साहब दे नाल कोई 13 साल हो गए ने, ते 13-14 सालां दे विच मैं वी इह मंजर पहली वारी वेख्या है, जिहड़ा इन्नी सर्दी दे विच और बखरां वाली दे
रिकॉर्ड कायम हो गया है मगर खड़े नहीं होना एक बारी हाथ अली दे नाम ते जिहड़ा बंदा उठा सकदा है स्टेज वाले भी उठाओ जरा नज़ाकत साहब हाथ उठाओ जरा कोई हाथ थले नहीं ना ना उठाने ने ते इत्थे रख के उठाने ने हाथ उठाइए ना कई बंदे झकदे पए ने मेरे वास्ते नहीं मौला अली वास्ते हाथ उठा जरा उठा दो मैं हाथ सीधे बुलंद और दो हाथां दीआं पंज पंज गुलां खोलो जरा और चंब ला के कहना है उठना नहीं उठना नहीं इंज जरा मुहब्बत हैदर हैदर की सदा पूरी दुनिया देख ले आज मॉडर्न साउंड के पेट से आसिफ साहब के पेट से मिलके जरा हैदर हैदर की सदा आए हाथ जितने बुलंद कर सकते हो मिलके जरा हैदर हैदर जी आमीन नारे हैदरी नारे हैदरी नारे गौसिया आमीन आमीन बैठो भाई बैठो हो असि लख रुपया लगा के काबा वेखन जाने हां अल्लाह सारे दे नसीबा च इस साल हज ते उमरा करे हुन सारे बोलो आमीन भाई जवान सारे बह जाओ ते वडेरे वडेरे खड़े रहो वेखो बड़ा केड़ा केड़ा जवान है जवान जवान सारे बह जाओ वडेरे खड़े रहो तो वडेरा बेटा तू जवान जवान खड़े रहो बह जाओ ते वडेरे वडेरे खड़े हुन बह जाओ बेटा बैठ जाओ तुसी भी बैठ जाओ मैं अर्ज किया वडेरे वडेरे बस खड़े रहन ते जवान जवान बह जान सारे जेड़ा अपने आप नूं जवान समझदा उह तां बह जाए जेड़ा वडेरा समझदा उह खड़ा रहे बेशक बैठ हुन सारे इक बार सुभान अल्लाह बोलो मुड़ वापस चलिए लख रुपया लगा के काबा वेखन जाने उस अली दे ज़ौके इबादत तो सदके जावां जिहड़ा पैदा काबे दे विच होया ते काबे नूं वेखिया ही नहीं तीन दिन काबे दे विच रहे पैदा होवण तो बाद अख खोल के काबा नहीं वेखिया आख्या तेनों ते सारी उम्र ही वेखदा रहांगा पहले तेरा काबा ते वेख लवां वाह अली तेरे ज़ौके इबादत तो सदके जावां हुण अली ने अख खोल के ना चेहरा मुस्तफा वेख्या ते वेखी जा रहे वेखी जा रहे ते वेखी जा रहे मेरे आका ने फरमाया चाची जी बच्चे नु गुड़ती दित्ती के नहीं इत्थे दो बेली बैठे सानू जेड़े कह रहे सन हजरत जी आ जाए ना जिक्र अली रज के सुना के जाना मैं उन्होंने कह रहा सा जब मैं शुरू होया ना मां ना बाप ना दादा चाचे ताए फुफियां सारे इकट्ठे बह गए ते कहन लगे मुहम्मद नु कौन पालेगा ना मां ना बाप ना दादा ना बहन ना भाई कौन पालेगा चाचा अब्बास उठ के खलोगे फरमा लगे मैनू दे दो मैं पालूंगा चाचा अबू तालिब उठ के खलोगे फरमा नहीं मैनू दे दो मैं पालूंगा अबू लहब कहन लगा मैं भी चाचा मैनू दे दो मैं पालूंगा सैयद शुहादा अमीर हमजा सरकार उठ के खलोगे फरमान लगे मैं सारे ना लाडला चाचा दे लाडला भतीजा मैनू दे दो मैं पालांगा ताया हारिस उठ के खलोगे कहन लगे मैं ताया लगना मैं पालांगा फुफो सफिया उठ के खलोगियां कहन लगी मैं बचपन तो पालिया ते हुण भी पालावांगी मैनू दे दो मैं पालांगी फुफो आतिका उठ के खलोगियां फरमान लगियां नहीं मैं भी फुफो लगनियां मैं पालांगी सारे कहन मैं पालांगी सोहणा ही बड़ा आखिर फैसला किया जिन्हों कमली वाला पसंद करे वो ही पालेगा उन सारिया निगाह रुखे मुस्तफा ते लग गया कौन पालेगा सारे हजूर वाल वेख रहे नबी पाक उठे खरामा खरामा टूरे 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 जाके ना ते मौला अली दे अब्बा जान हजरत अबू तालिब दी गोद जाके बैठ गए उन अबू तालिब चुके घर ले आए इसे चाची दी लाके गोद विच रख दिता
ਹੁਣ ਚਾਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਸਨ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਤ ਤੇ ਫਕੀਰੀ ਸੀ ਇੱਕ ਫਰਦਲ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣੇ ਆ ਤੇ ਪੇਟ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲੁਕਮਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੁਕਮੇ ਹੱਕ ਹਿੱਸੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦਸਤਰਖਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਫਰਦ ਦਾ ਖਾਣਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਫਰਮਾਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਜੇ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੋਟੀਆਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਚਾਚੀ ਨੇ ਬਰਕਤਾਂ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਸਨ ਬਚਪਨ ਚਾਚੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਯਾਦ ਸਨ ਜਦੋਂ ਮੱਕੇ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਕਹਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰ ਦੇਵੇ ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਜ਼ਲ ਫਰਮਾ ਦੇ ਤੇ ਛਮ ਛਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚਾਚੀ ਨੇ ਵੇਖੀਆਂ ਸਨ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਚਾਚੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰੇ ਬਾਜੂ ਗੁੜਤੀ ਕੌਣ ਦੇਵੇ ਭਾਕਰਾਂ ਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚਾ ਗੁੜਤੀ ਲੈਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਖਜੂਰ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਹਨਾ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੁੜਤੀਆਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਲੀ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੁਣਾਵਾਂ ਅਲੀ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਅਲੀ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਯੂਹਾ ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਦੇ ਖੁਦਾ ਬੋਲੇ ਤੇ ਕਦੇ ਮੁਸਤਫਾ ਬੋਲਣ ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਅਲੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਰੱਖੀ ਤੇ ਅਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਚੂਸੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਚ ਸੌਂਦਾ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਮੂਹਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਮੈਂ ਉਹ ਅਲੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਚੂਸੇ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸੁਣੋ ਅਲੀ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਐ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾਨਾ ਗੁੜਤੀ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਮਾਮੂ ਗੁੜਤੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅੱਬੂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਦਾਦਾ ਗੁੜਤੀ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਚਾਚੂ ਗੁੜਤੀ ਦੇਵੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਦ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹ ਦਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਜੂਠਾ ਸ਼ਹਿਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਬਣੇ ਹਨਾ ਯਾਨੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਗੁੜਤੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਬੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਦਾਦਾ ਗੁੜਤੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਚਾਚਾ ਗੁੜਤੀ ਦੇ ਦੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮਾਮੂ ਜਾਂ ਦਾਦਾ ਗੁੜਤੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਕਿਹਦੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਜੇ ਚਾਚਾ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਗੁੜਤੀ ਦੇ ਹੀ ਲੈ ਵਿਚਾਰਾ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰੇ ਤੇ ਮਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਤਰਾ ਚਾਚੇ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਗੁੜਤੀ ਮਾਮੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਸ਼ਰਾਰਤ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਮਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਮੂ ਤੇ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਚਾ ਗੁੜਤੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਦੱਸਿਓ ਜਿੰਨਾ ਗੁੜਤੀ ਚ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਚੂਸੇ ਲੈ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਗੁੜਤੀ ਚ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਚੂਸੇ ਲੈ ਸੁਣਾਵਾਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਖਜੂਰ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁੱਠਲੀ ਸੱਟੀ ਗਿਟਲ ਸੱਟੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁੱਠਲੀ ਚੁੱਕੀ ਮੂੰਹ ਚ ਡਾਲੀ ਤੇ ਚੂਸ ਲਿਆ ਕਿਆ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਬੀ ਚ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਲਾਮ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਰਤਨ 'ਚ ਨਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੱਥ ਡੁਬੋ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿਆ ਤਰਬੀਅਤ ਮਾਵਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਖਜੂਰ ਖਾ ਕੇ ਗੁੱਠਲੀ ਸੱਟੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁੱਠਲੀ ਚੁੱਕੀ ਮੂੰਹ ਚ ਡਾਲੀ ਚੂਸ ਗਿਆ ਉਹ ਹੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਇਬਨ ਹਜਰ ਅਸਕਲਾਨੀ ਰਹਿਮਤੁਲਾ ਅਲੈਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਹੱਜੁਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਆ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਨਬੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਭਾਕਰਾਂ ਵਾਲੀ ਵਾਲਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਨੇਕ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੁਮਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਔਲਾਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜੋ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਲਾਦ ਉਹ ਕਰਦੀ ਜੋ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਰਦੇ ਬਾਪ ਸਿਗਰਟ ਪੀਵੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਛੁੱਪ ਕੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਵੇਗਾ ਬਾਪ ਫਿਲਮ ਵੇਖੇਗਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਛੁੱਪ ਕੇ ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਗਾਣੇ ਵੇਖੇਗਾ ਤੇ ਜੇ ਬਾਪ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ
ਤੇ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਸਜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਉਂਝ ਯਾਨੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇਕ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਵੇਖ ਕੇ ਨੇਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਨਾ ਕਿ ਔਲਾਦ ਨੇਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪ ਨੇਕ ਹੋ ਜਾਓ ਔਲਾਦ ਵੇਖ ਕੇ ਨੇਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਓ ਬੱਚਾ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਪ ਨੇ 9 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੜੇਗਾ ਸੁਨਤਾਂ ਤੇ ਨਫਲ ਘਰ ਪੜਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਦਾ ਵੇਖਣ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੋ ਜਾਏ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤਹੱਜੁਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਪਿੱਛੇ ਅੱਖ ਲੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋ ਕੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹ ਇੰਜ ਬਾਜ਼ੂ ਪਕੜੇ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਲਾ ਬੋਲੋ ਬਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਂਝ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਆ ਯਾਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬੇਟਾ ਨਮਾਜ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਓ ਬਈ ਸਾਰੀ ਮਾਫਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੱਲਾ ਜੁਮਲਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਰੁਖੇ ਮੁਸਤਫਾ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਲੱਗਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਵੇਂ ਖਲੋਵਾਂ ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਰਾਜ ਦੀ ਰਾਤ ਨਬੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਏ ਸਨ ਪਰ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨਬੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਕੋ ਨਬੀ ਦਮ ਨਾ ਮਾਰੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣ ਐਵੇਂ ਲੋਕ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਬੀ ਵਰਗਾ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਤੂੰ ਨਬੀ ਵਰਗਾ ਬਣ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਨਬੀ ਵਰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਨਬੀ ਵਰਗੀ ਮੈਂ ਵੀ ਟੁੱਟਦਾ ਨਬੀ ਵੀ ਟੁੱਟਦਾ ਨਬੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਨਬੀ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਨਬੀ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੀਨਾ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਤੇ ਅਬੂ ਜਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਅਬੂ ਜਾਲ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਸਲੀਅਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਆਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨਬੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਕਦੇ ਆਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਂ ਫਰਾਉਨ ਵਰਗਾ ਤੇ ਫਰਾਉਨ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਮਰੂਦ ਵਰਗਾ ਅਬੂ ਜਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਖਿਆ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਯਜ਼ੀਦ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅਗਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਨਬੀ ਵਰਗੇ ਕਿਉਂ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਝੱਲਿਆ ਐਵੇਂ ਨੀ ਪੀਰ ਮੇਰਾ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੋਈ ਮਿਸਲ ਨਾ ਢੋਲਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਲ ਨਾ ਢੋਲਨ ਦੀ ਬਈ ਕੋਈ ਮਿਸਲ ਨਾ ਢੋਲਦੀਓ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਨਾ ਪੜੋ ਜਿਹਦਾ ਅਕੀਦਾ ਮੇਰੇ ਅਕੀਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਉਹ ਪੜੇ ਕੋਈ ਮਿਸਲ ਨਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਦਾਵਾ ਕਰੋ ਨਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਮਿਸਲ ਨਾ ਦਿਓ ਕੋਈ ਮਿਸਲ ਨਾ ਢੋਲਨ ਦੀ ਵਈ ਕੋਈ ਮਿਸਲ ਨਾ ਢੋਲਨ ਦੀ ਐਜਬ ਕਰ ਮੇਰੇ ਅਲੀ ਇੱਥੇ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਓ ਬੋਲਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਓ ਬੋਲਨ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੁਲ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਮਸੂਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਿਬਰੁਲ ਉਮਾ ਇਸ ਉਮਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਆਲਿਮ ਇਹ ਬੱਚਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਮਰ ਚ ਉੱਤੇ ਛੋਟਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਪੁੱਛਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਉਹ ਹੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਰੀਕ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁੱਪ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਪਿਆ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਯਾਰ ਸੱਚੀ ਦੱਸਿਓ ਬਾਕਰਾਂ ਵਾਲੀ ਵਾਲਿਓ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ
दी खजूर दी गिटक चूस लवे ओ ते उम्मत दा सब तो वड्डा आली बने ते जड़ा चूसा ही मुहम्मद दी ज़बान जुबाने मुस्तफा चूसी है ना वो किवें दरवाजा है सुनावा गल यार उच्चा बोलो सुभान अल्लाह आज तो वैसे ही माहौल ही मस्ती वाला माशाल्लाह मैंने पता मस्त हो गए हो और शेख सादी फरमाते ने ऊंट मस्त या होवे ते एक मन दी बजाय दो मन पार चुक जांदा है इश्क रसूल दी मस्ती जी बोली जाओ सुभान अल्लाह मौला अली एक दिन कूफे दी गली दे अंदर जा रहे थे आप नु एक बंदे आवाज देख के अली जरा गल सुन आप रुक के कहन लगा अली सुनया तेनु जेड़ा सवाल करिए तू बगैर सोचे ही जवाब दे देना है तू सोचता क्यों नहीं भाई अली दे जवाब होंदे भी कोई एवें दे सन तवज्जो है एक दिन एक मैं सज के एक बंदा आके मेरे अली दे कोल आके बोल के कहन लगा अली मैं तेनु 10 सवाल पूछना तेनु एक दा भी जवाब नहीं आना फरमा क्यों कहन लगा बड़े मुश्किल सवाल ने फरमाया अच्छा किन्ने मुश्किल कहन लगा तेनु एक दा भी जवाब नहीं आना इमाम हसन पे खेड़दे सन बचपन से इमाम हसन दा मौला अली फरमाते ने हसन बेटा जरा इधर आओ ना हसन आके ते मौला अली दी गोद च बैठ गए ते मौला अली उस बंदे नु फरमान लगे ओ जेड़े तेरे मुश्किल सवाल ने ना ओ मेरे हसन कोलो पूछ ਉਨੇ ਆਖਿਆ ਅਲੀ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਬੱਚਾ ਪਰ ਅਲੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਜੋ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਸਨ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈ ਉਹ 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 ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਸਨ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਾਇਨਾਤ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਤੇ ਸਖਤ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਫਰਮਾਦ ਨੇ ਪੱਥਰ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਤਾਕਤਵਰ ਕੀ ਹੈ इमामे हसन फरमाते ने लोहा जेड़ा पत्थर नु भी तोड़ देंदा है उन्हें बच्चा समझ के तीसरा सवाल कीता कहन लगा लोहे नालों सख्त ते ताकतवर की है आपने फरमाया आग जेड़ी लोहे नु पिघला देंदी है वो कहन लगा आग नाल ताकतवर की फरमाया पानी वो आग नु भी बुझा देंदा है कहन लगा पानी नालों ताकतवर की है फरमाया बादल वो पानी नु चुक फिरदे रहंदे ने कहन लगा बदला नालों ज्यादा ताकतवर की है फरमाया हवा जड़ी बदलन उड़ाई फिरती है कहन लगा हवा नाल ताकतवर की है फरमाया हवा दा फरिश्ता जड़ा हुक्म दिंदा ते हवा टुर पैंदी है कहन लगा हवा दे फरिश्ते नाल ताकतवर की है फरमाया मौत दा फरिश्ता जिन्हें उन्हों भी मार देना है कहन लगा ते मौत दे फरिश्ते नाल ताकतवर की है फरमाया मौत जिन्हें उन्हों भी मार देना है कहन लगा ते मौत नाल ताकतवर की है फरमाया मेरे रब दा हुक्म ओदे 10 सवाल पूरे हो गए ते उठ के टुर पिया ते मुड़ के कहंदा इन्हां दे ते बच्चियां दा यार कदम मुबारक मस्जिद के अंदर एक मस्जिद की सीढ़ियां ते एक यहूदी आवाज देख के कहन लगा अली इत्थे रुक ते मेरे सवाल दा जवाब दे मौला अली उन्हां कदमां ते रुक गए कहन लगा अली सवाल एवे कि ओ केड़े जानवर ने जड़े अंडे देंदे ने ते ओ केड़े जानवर ने जड़े बच्चे देंदे ने ओदा ख्याल ए सी कि जे अली जानवर गिनेगा ते अज नमाज रह जाएगी ते नमाज अली कदे छड्डी नहीं ते मलंग कदे पड़ी वो कहंदे ने दम दा दम ना धोखा ना गम कमाएंगे अब्बा जी खाएंगे हम अली कदे छड़ी नहीं ते मलंग कदे पड़ी नहीं पर याद रखी जड़ा अली आए भी मस्जिद च ते जावे भी मसीतों ओ अली दा रिश्ता है ही मसीत नाल है ते जड़ा मस्जिद च ना भी अली दा लगदा ही की है जवाब देवांगा ते मैं आखांगा अली सोच के जवाब देंदा ते अली सोचदा ही नहीं ते मैं अली नूं अज फसा लिया मौला अली ने फरमाया सवाल की है कहन लगा सवाल है वे केड़े जानवर अंडे देंदे ने केड़े बच्चे देंदे ने मौला अली फरमा लगे सुन जेड़े जानवरां दे कन अंदर हुंदे ना ओ अंडे देंदे ने जिन्हां दे कन बाहर हुंदे ने बच्चे देंदे ने तू गिनती कर मैं नमाज पढ़ के आ जा मौला अली नमाज पढ़ के बाहर निकले तो यहूदी मस्जिद दी सीढ़ियां ते बैठ के जानवर पे आ गए
ਓਲੀ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਚ ਪਾਣਾ ਆਲੀ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚ ਪੜਿਆ ਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਆਲਿਮ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਤ ਦੀ ਖਬਰ ਗਈ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਯਾ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਉਹਨੇ ਆਪ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਯਾ ਬਣਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਯਾ ਆਪ ਬਣਾਏ ਤੇ ਯਾ ਬਣਦੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੂੰ ਰਾਜ਼ਦਾਰੇ ਖਫੀ ਜਲੀ ਹੈ ਕਿਧਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਲੀ ਅਲੀ ਹੈ ਤੂੰ ਰਾਜ਼ਦਾਰੇ ਖਫੀ ਜਲੀ ਹੈ ਕਿਧਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਚੱਕੇ ਆਖੇ ਅਲੀ ਅਲੀ ਹੈ ਕਿਧਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿਧਰ ਵੀ ਦੇਖੋ अली अली है जिधर भी देखो अली अली है गवाह मदीने की हर गली है जिधर भी देखो जिधर भी देखो जिधर भी देखो जवाब दे देना कह लगा ली सोचता क्यों नहीं मौला ली ने फरमाया दस तेरे हाथ दी उंगलियां किनिया ने कह लगा पांच उंगलियां ने आपने फरमाया तू क्यों नहीं सोच के जवाब दिता कह लगा सोचने की लोड़ कोई नहीं हर वेले हाथ सामने रहता है मैनू पता उंगलियां भजी हुंदियां ने फरमाया मैं भी क्यों सोच के जवाब देवा जिवें हाथ तेरे सामने रहता है कायनात अली दे सामने रहती कायनात अली दे सामने रहंदी है उन्हें आख्या मन गया जिधर भी देखो भाई सारे बोलो जिधर भी देखो अली अली है या अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तवज्जो है भाई सारे दी भाई गौर मेरे वाले या अली आमीन 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 हुण मेरा दिल करदा मैं जल्दी जल्दी तुहानूं आखरी गल सुनावां ते बस फिर मैं इजाजत चाहवां भाई नौजवानों सुभान अल्लाह आमीन 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 सुनो सिर्फ आज हैदर हैदर करके नहीं जाना तेनु कल तो सुबह तो दसना ना पवे मैं मौला अली दा लंगर मैं लंगर नहीं तेरिया हरकतां वेख के लोग आखन वाकई अली वाला है तेरे ते अली दा रंग चढ़ जाए अली दा रंग चढ़ जाए अली ने ते कदे नमाज नहीं छोड़ी जे एक छड़ी दी कदा हो ही गई नबी नु वेख दिया ते सूरज नु वापस आना पै गया अली ने फिर अदा पढ़ ली जे तू अली वाला तो सुबह तो नमाज बोलो हुन भी बोलो ना नमाज नहीं छड़ोगे ना पता मौला अली दी दाढ़ी कितनी थी मौला अली दा होलिया मुबारक किताब च पढ़ के वेखो मौला अली दी दाढ़ी मुबारक दे मुतल्लक किताब च आंदा है कि मौला अली दी दाढ़ी मुबारक ने आपदा पूरा सीना घेरिया होया सी ते नारे हैदर ते लगावे नारे अली ते लगावे ते दाढ़ी चेहरे ते रखे ना पर दावे च झूठा हो गया ना तेनु है ना फिर चेहरे ते दाढ़ी सजा जे तू अली वाले फिर सूद ते नहीं ना खाना जे अली वाला है ये तेरा पीर अली है ते फिर तू शराब तो नहीं पी सकता फिर तू झूठ भी नहीं बोलेगा जे तेरा पीर अली है ना ये हसन वाली गल नहीं ये इश्क
मेरी मिल्लत दे नौजवानों अज तो बाद फिर जे हैदर हैदर दे नारे लगाए जना सुबह तो अपने अज रात नु लेटो ते अपने अंदर छाती मार के वेखियो के मेरे अंदर इश्क दा दीवा बलिया के नहीं बलिया ओ बालना ठीक है ओ दीवा बालना अगली गल मौला अली कोल किसी ने पूछा कि अली इन्ना इल्म कित्थो लिया ना स्कूल ना कॉलेज ना यूनिवर्सिटी ना कॉलेज ना मदरसा इलम कित्थों लिया आपने फरमाया मैं जिंदगी च दो काम कीते ने हुजूर केड़े फरमाया बचपन च नबी दी जुबान चूसी ते आखरी वेले जदों मैं हुजूर नूं गुसल दित्ता ते हुजूर दीआं अखां दीआं पलकां ते जिहड़े पानी दे कतरे जमा हो गए मैं पानी चूसिया सी रब ने मुहम्मद दे इलम दा वारिस बना दित्ता भाकरां वाली वाले सच्ची दस्सिओ जिहड़ा मुहम्मद दी जुबान चूसे उहदा ते आ हाल ए ते जिहड़े नबी दी जुबान च रब बोले उस नबी दे इलम दे कौन बयान करे इलम खुदा ने इना दिता जिहड़ा अकलां विच ना आवे फरमा जी ओ पहलवान बड़ा जुस्सा रखण वाला कहण लगा ए मदीने कोई अली रहंदा है मौला अली उन्होंने सिर तो लैके पैरों तक वेख के फरमान लगे तेनू अली ना की काम कहण लगा तू बचिया सोहना बड़ा मैं तेनू दस देना किसी नूं दसी ना फरमा जी कहण लगा मैं रुस्तम अरब मैनू अरब दा रुस्तम कहंदे ने रुस्तम बहुत बड़ा पहलवान सी ते जिहड़ा बहुत बड़ा पहलवान होया उहनू रुस्तम कहंदे ने पाकिस्तान ते बर्रे सगीर दा एक रुस्तम गुजरिया उहनू घामा पहलवान कहंदे सन घामा पहलवान रुस्तम ए हिंद उह कहण लगा मैं रुस्तम ए अरब कहण लगा मैं सारे पहलवानां नूं हरा के आया ते मैनू किसे ने मीना मारिया ते मैनूं पहलवान फिर मन्ना जे अली नूं हरावां ते मैं अली नाल कुश्ती करन आया मौला अली नाल सिर तों लैके पैरां तक वेख के फरमाया जा जा अली नाल ना लड़ी मर जाएगा उन्हें आख्या क्यों अली बहुत बड़ा पहलवान है वजह की है मौला अली सिर तों पैरां तक वेख्या आप करके फरमान लगे तू अली से लड़ सके तेरी अकल का फेर है तू अली से लड़ सके तेरी अकल का फेर है तू गुसर की लूमड़ी और वो खुदा का से ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅਲੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਪਹਿਲੇ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਾ ਮੈਨੂੰ ਅਲੀ ਤੂੰ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਵੱਲ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਨਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਉਹਦਾ ਦਾਮਨ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਵਾਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਆਪ ਉਹਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਕੀ ਬਾਤ ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਫਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਲੀ ਵੱਲ ਵੇਖੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਬੋਲ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸ਼ਕਿਸਤੇ ਫਾਸ ਮੁਝਕੋ आज पहली बार है ये शकिस्ते पास मुझको आज पहली बार है दिल ये कहता है कि तू ही है तेरे कर लगा दिल ये कहता है कि तू ही है दरे करनार है मेरी मिल्लत नौजवानों बस भाई बस 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 बड़े बड़े नारे लगा रहे हैं हूं तकरीर सुनो बेटा तवज्जो है अगली गल वे अगली गल ताकत दी सुना देवा खैबर दा मुकाम आया ना जदों जंगे खैबर दा मेरे नबी ने फरमाया मैं झंडा उन्नू देवांगा सुबह जिदे हाथ उते रब ने फतह खैबर लिख दी मौला अली अल मुर्तजा शेरे खुदा देना उस वेले अखां पियां दुख दियां सन अखां नु मसला सी ना कोई उस वेले ते अखां सुरख सोजश हो गई अखां नु सारी रात सहाबा उड़ीक दे रहे के वेखो सुबह कमली वाले किन्नू अलम ते किन्नू झंडा अता करदे ने फतह दा झंडा सुबह होई ते नबी करीम ने फरमाया अली किथे आख्या जी अखियां दुख दियां ने आराम कर रहे ने फरमा अली नूं बुलाओ मौला अली आए ते अखां दुख रही हैं मेरे नबी ने झंडा पकड़ाया ते अर्ज़ कीती हजूर मेरियां अखियां बड़ियां दुख रही ने आ मेरे वल वेखो नबी पाक ने ना अपना लुआबे दहन मुबारक अली दियां अखियां पर लगाया उस वेले शिफा हो गई हुण झंडा दे के फरमा जा अली तेरे हाथ रब ने फतह लिख दी फरमा झंडा मैं उन्होंने देना जिद नाल अल्लाह रसूल प्यार करते हैं तो अल्लाह रसूल नाल प्यार करता है हुण हजरत
काजी सनाउल्ला पानीपती मुजद्दती फरमाते ने मौला अली झंडा लैके ते लश्कर लैके जदों खैबर गए ना ए मेरे वल वेखो ए खैबर दा जिहड़ा दरवाजा सी ना कले दा दरवाजा मौला अली ने उहनूं ए इंज करके ना हाथ च पकड़िया दरवाजे नूं ते इक वारी ए इस तरह ते इक वारी इस तरह हिला के ना ते चेक कीता मौला अली ने दरवाजा हिलाया ते एडा तेज जलजला आया कि अंदर जिहड़ा कले दा बादशाह है उस बादशाह दी जिहड़ी बेटी है उहदा नाम सफिया है तख्त जमीन ते डिग पई कोई सफिया है जिहड़ी जंगे खैबर तो बाद तेरे ते मेरे नबी दी जौजा मोहतरमा ते मेरी ते तेरी अम्मा हजरत सफिया रदी अल्लाह तआला अन्हा बनियां सन इह शहजादी सन खैबर दे कले दे बादशाह दी ना शहजादी सन बेटी सन मौला अली ने दो मरतबा दरवाजा हिलाया ते जलजला आ गया पूरे कले दे अंदर ए मेरे वल वेखो मौला अली ने तीसरी बार इस तरह करके दरवाजा उखेड़ लिया फरमाया चलो सारे ही अंदर वो जड़ा दरवाजा खोलदा नहीं सी ना ते लश्कर फता नहीं सी कर पा रहा ते मौला अली ने दरवाजा ही खेड़ लिया फरमाया चलो अंदर सारे अंदर गए कला फता हो गया सारी जंग च मौला अली दरवाजा चुक के फिर दे रे को तलवार मारदा ते अगे दरवाजे कर देंदे ने दरवाजे नो ढाल बना ले जदों जंग जित गई ना ते मौला अली ने जलाल ने चाके ना इस तरह दरवाजा पकड़ के ना ते इस तरह पीछे सटिया जोर नाल गुस्से नाल जलाल नाल इंसान दे सज्जे हाथ च अल्लाह ने ताकत ज्यादा रखी खब्बे हाथ च थोड़ी इंसान दाएं हाथ ना चीज अगे सटे दूर जांदी है पीछे सटे ते नजदीक गिरदी है अच्छा हाथ भी बायां होवे ते सुटे भी पीछे 70 गज दूर जाके दरवाजा डिग गया अलामा काजी सनाउल्ला पानी पत्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने बाद विच 40 बंदियां जाके दरवाजा हिलाया उन्हां कोलों हिले लिया भी नहीं इत्थे सुभान अल्लाह कह नहीं सी सुभान अल्लाह ओदी जुर्रत ते ओदी शुजात ते ओदी बहादुरी वेख 40 बंदे मिलके जेडे दरवाजे नूं बंद करदे सन ते खोलदे सन मौला अली कल्ले उस दरवाजे नूं चुक के फिरदे रहे पर इस गल दा इक होर पहलू मैं तुहानूं मौला अली दी सीरत दा अर्ज करना चाहना ताकि जेडे नौजवान बैठे अज कुछ ना कुछ लैके जावन एक परदेसी आया कूफे ते कूफे नमाज पढ़न आया मगरिब दी रमजान शरीफ दा रोजा ने रखिया ते अफतारी दा वेला आया ना ते ओ मस्जिद कूफा दे अंदर आया ते ने वेख्या इक बाबा बैठा ते सुक्की रोटी दे टुकर पानी च भिगो के ते बाबा रोजा इफ्तार पे करदा बाबा जोर लगांदा ते रोटी टुटदी नहीं ते जोर लगा लगा के बाबे दे मत्थे ते पसीना आ गया उस बाबे नु उस नौजवान नु ख्याल आया कि ओ सामने इमाम हसन हुसैन ने लंगर खाना खोलिया है अफतारी पे करांदे ने बाबे नु ताजा रोटी लिया के देवा उन्हें इमाम हसन दे लंगर खाने जाके दो रोटियां ताजा खादियां ते दो बगल च दबा के निकल लगा ते मामे हसन ने पकड़ लिया ते पकड़ के फरमाया जदों खा के चले हैं ते लै के क्यों चले हैं उन्हें आख्या जी मैं अपने लिए लैन आके चलिया ओ मस्जिद एक बाबा बैठा है बड़ा वडेरा जिहा बाबा है सुखी रोटी दे टुकर पानी च भिगो के पिया खांदा है ते जोर लगांदा है ते रोटी टुटदी नहीं ते बाबा होरे कमजोर बड़ा है ते पत्थे ते पसीना आ गया बाबे दे मैं रोटी बाबे ने लैके जा रहे इमाम हसन रोन लग पे रो के फरमाया पता ही बाबा कौन है कहन लगा मैं परदेसी हां पहली बार कूफे आया मेनू नहीं पता बाबा कौन है आपने फरमाया बाबा मेरा बाबा है अली ओ बाबा मेरा बाबा है अली है सारा लंगर उसे बाबे दे नाम दा लग गया है उस परदेसी जावा के अली दे कदम फड़ ले कहन लगा सुनया तेरी समझ नहीं आई अबे खैबर दा दरवाजा चुके फिरदा रहा है आज सुखी रोटी दा टुकर नहीं टुट दे मौला अली फड़ के सीने दे नाल लाया फरमाया बेलिया इत्थे मेरा जोर पिया लगदा है ओ मेरा इश्क रसूल पिया लड़दा फरमाया ओ मेरा इश्क रसूल पिया लड़दा सी अब मेरा जोर पिया लगदा है एड़ा वड्डा इश्क रसूल पर ताकत भी होवे हुसन भी होवे दौलत भी होवे ते शोहरत भी होवे ते आजिज़ी भी होवे हां वो अली है
एक जंग च काफिर दे सीने ते बैठ के ना ते मौला अली इस तरह करके वार करके ना ओदी गर्दन उतारन लगे ते उन्हें मौला अली दे चेहरे अनवर ते माजल्ला थुक दिता। मौला अली ओदे सीने तों उतर के टुर पे। देखो तेरे चेहरे ते थुके तुसा ना भी मारना होवे ते उन्हें जरूर मारोगे है ना, पर मौला अली तुहानू मारन लगे सर पर उन्हें थुक दिता ते मौला अली ओदे सीने तों उतर के चुप करके टुर पे। उन्हें आवाज दे क्या क्या अली मैंने छोड़िया क्यों ही, मैं ते इस वास्ते थुकिया सी कि तू मैनू तरसा के ना मारे इको बार जी गुस्से नाल मार देवे। मौला अली ने फरमाया ना ना पहले मैं तेनों रब दे हुक्म नाल मारन लगा तो तू काफिर है, हुण तू मेरे मुंह ते थुक दिता हुण मेरा गुस्सा भी विच शामिल हो गया है कि तेरे मेरा नफ्स ए ना आखे कि तेनों रब ले नहीं मारिया अपने गुस्से ले नहीं मारिया है, इस वास्ते मैं तेनों छड़ के जा रहा मैं तेनों अल्लाह वास्ते मार रहा सा। उन्हें आवाज दे क्या क्या अली मुड़ वापस आए तो उन्हें आख्या मैनू अपने नबी का कलमा पढ़ा। फरमा क्यों, कहन लगा सुनिया लोहे की तलवार नाल नहीं मारिया पर खुलक तलवार नाल ही मार दिता है। वेख अखलाक दा भी बादशाह, सखियां दा भी शहंशाह, सखावत दी भी गल एक सुना देवा। याद रखियो पहलवान ओ नहीं हुंदा जिहड़ा अगले नु ढा लवे, पहलवान ओ हुंदा जिहड़ा गुस्से दी हालत च अपने आप नु ढा लवे। बेशक ए अली ने सबक दित्ता, जे अली वाले ओ ते सबक भी सारे लेके जाओ। याद जे मौला अली इक सफर तो वापस आए, सफर तो आप अजे आराम करन लगे ते आप दा गुलाम कंबर जिन्हें सारी जिंदगी खिदमत की थी मौला अली दा दरवेश नाल सी, उन्हें अर्ज की थी हुजूर जरा लेटे जना बारे का मंगता आया। फरमा की मंगता है, अर्ज की थी हुजूर एक रोटी पे मंगता है। आपने फरमा कंबर तेरी जिंदगी मेरे नाल गुजरी रोटी मंगता दे दे। उन्हें आख्या दे तो देवा पर मैं भी सफर तो तुहाड़े नाल थक के आया हजूर, जिहड़ा रोटियां वाला तबाक है ना वो रोटियां वाला तबाक ते ऊट दे कचावे ते वे। आपने फरमा चल कचावा भी नाल ही दे दे। उन्हें अर्ज की थी वो जिहड़ा कचावा है ना हजूर वो ऊंट ते ही है। आपने फरमा फिर ऊंट भी नाल ही दे दे। कंबर फिर खड़ा मौला अली जे फरमांदे ने जांदा नहीं, कहन लगा टुट ते जावां पर वो जिहड़ा रोटियां वाला ऊंट है ना 70 ऊंटां दे विचकार खलोता है। मौला अली ने फरमाया सारी ऊंटां दी कतार ही दे दे। नहीं बोले तुसी सुभान अल्लाह, तुसी नहीं बोले सुभान अल्लाह। ऐ सुबह जुमा है ना ते जुमा पढ़ जाना है ते मस्जिद दी झोली विच तुसा 10 रुपए पाने ने ते 20 वारी सोचना है, पर उस अली दा गुलाम बन के जाई जिस अली को लेकर रोटी लैन मंगता आया ते मौला अली नूं 70 ऊंटां दी कतार ही दे दित्ती। फरमाया सारी कतार ही दे दे। मैं किताबां च पढ़िया कि उस वेले पहले ऊंट दी मुहार कंबर ने पकड़ी सी, कंबर ने मुहार औथे सटी ते आप औथे खलो गया। मौला अली फरमांदे ने तैनूं की होया है, कहन लगा सोहणिया तेरी सखावत तो वेख के डर गया किधरे मैनू भी नाल ही ना दे दे आज, किधरे मैनू भी नाल ही ना दे दे आज। मंगता नाले टुरदा जांदा नाले पड़दा जांदा है, बड़ा लजपाल है तेरा घराना या रसूल अल्लाह। हुन जेड़ा जेड़ा नबी दिया ते सदके बादा हाथ खड़ा कर लो, हाथ खड़े कर लो भाई, सारे खड़े कर लो, नाले लहरा के पढ़ो, बड़ा लजपान है तेरा घराना या रसूल अल्लाह, बड़ा लजपान है तेरा घराना या रसूल अल्लाह। तेरे टुकड़ों पे पलता है ज़माना यार रसूल अल्लाह। अल्लाह ताला मेरी तोड़ी हाजरी कबूल फरमाए।